हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी लाइब्रेरी साइंस क्लास में। तो दोस्तों, पिछली लाइब्रेरी साइंस की जो क्लासेस थी उसमें केवल इंट्रो चल रहा था लाइब्रेरी का, डीडीसी का और ऐसा रंगनाथन का, मेलविल डेवी का, ठीक है। पर आज का जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, वो है लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन, मतलब लाइब्रेरी साइंस को पहचान देने में क्या क्या एफर्ट डालने पड़े। लाइब्रेरी साइंस की जो एजुकेशन जब स्टार्ट की गई तो कैसे स्टार्ट हुई, कैसे वो डेवलप हुई धीरे धीरे, ठीक है। चलिए अपन इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 1885 में ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन ने स्पेशल ट्रेनिंग चलाई थी। 1885 में ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन ने स्पेशल ट्रेनिंग चलाई थी, किसके लिए, लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी साइंस के लिए, ठीक है, जिसमें लाइब्रेरी के कार्यों के लिए ट्रेन किया जाता था, ठीक है। फिर 1887 में मेलविल डेवी का स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट था वर्ल्ड का इन लाइब्रेरी साइंस फील्ड, जिसमें लाइब्रेरी साइंस को पढ़ाया जाता था या लाइब्रेरी साइंस को समझाया गया, ये इंस्टीट्यूट था। वो देखिए, वो ट्रेनिंग थी, ये इंस्टीट्यूट था, ठीक है। फिर 1910 और 1911 बड़ौदा के किंग थे सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड। फ्रेंड्स, इसमें कई बार ना सेकंड लिखा रहता है, सियाजीराव गायकवाड़ सेकंड। तो मैंने भी काफ़ी बार सेकंड पढ़ा, बट जब मैंने गूगल किया तो गूगल पे जो ईयर आ रहा था 1910 का, वो सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड का ईयर आया, इसलिए मैंने सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड इसमें लिखा है, ठीक है। काफ़ी जगह सेकंड मिलता है, अगर आपको भी कन्फ्यूज़न है तो आप भी इसको गूगल करके देखिए और अपना कन्फ्यूज़न दूर कीजिए, ठीक है। और ये 1910 से 1911 में बड़ौदा के किंग सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने विलियम वॉर्डन, डब्ल्यू ए वॉर्डन जिनको कहते हैं, विलियम वॉर्डन को इनवाइट किया था कि आप हमारे देश में आइए और लाइब्रेरी साइंस को और पुस्तकालय के लिए लोगों को अवेयर कीजिए, क्योंकि वो घूमने के बहुत शौकीन थे सियाजीराव गायकवाड़। तो वो घूमने पर जब उनने विश्व का टूर किया तो उन्होंने जगह जगह वहाँ की लाइब्रेरी की सर्विस से, वहाँ की लाइब्रेरी से वो बहुत इम्प्रेस हुए। तो जब वो लाइब्रेरी से इम्प्रेस हुए तो उन्होंने बोला कि हमारे देश में भी ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए, अच्छी किताबें अच्छी एजुकेशन देती हैं, अच्छी किताबें अच्छी सोच देती हैं, अच्छी किताबें अच्छी सोसाइटी बनाती हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि मेरे देश में भी लाइब्रेरी को लेकर लोग अवेयर होने चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए लोगों के आने जाने के लिए, जहाँ पर वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। इसलिए सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने विलियम बॉर्डन को इनवाइट किया था 1910-11 में, ठीक है। फिर 1915-16 में आशा जॉन डिकिंसन पंजाब यूनिवर्सिटी में आए, उन्होंने डिप्लोमा कोर्स चलाया। क्या चलाया आशा जॉन डिकिंसन ने पंजाब यूनिवर्सिटी में? डिप्लोमा कोर्स। विलियम ए वॉर्डन ने कुछ नहीं चलाया था, विलियम ए वॉर्डन ने एक बुक जरूर निकाला, एक पत्रिका निकाली थी जो कि इंडिया की फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस की पत्रिका होती है, लाइब्रेरी मिस सेलिनी, अभी मैं बताऊँगी उसके बारे में आपको, ठीक है। अपन आशा जॉन डिक्सन के बारे में आए, पंजाब यूनिवर्सिटी में आए थे ये, इनने डिप्लोमा कोर्स चलाया था 1915 और 16 में। ये दोनों ही फ्रेंड्स, विलियम वॉर्डन और आशा जॉन डिक्सन, ये मेलविल डेवी के स्टूडेंट थे, ठीक है। 1931 में एसआर रंगनाथन ने मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो मद्रास की लाइब्रेरी एसोसिएशन थी, वहाँ पर एक सर्टिफिकेट कोर्स चलाया। और वो सर्टिफिकेट कोर्स किस टाइप का था कि उन्होंने जो यूनिवर्सिटी में जो लोग थे ना, जो लाइब्रेरी एसोसिएशन में थे,
जबकि वो ट्रेंडिंग तो उन्हीं को उनने ट्रेंडिंग कर देना चालू कर दी थी। समर वेकेशन जब लगा तो समर वेकेशन में वो ट्रेनिंग दे रहे थे उनको ऐसे ही, क्योंकि ऐसे तो कोई लाइब्रेरी साइंस पढ़ने वाला था नहीं, तो जो वहाँ का स्टाफ था वो उन्हीं को लाइब्रेरी साइंस के बारे में समझाने लगे और लाइब्रेरी की सर्विस के लिए ट्रेन करने लगे थे। ठीक है, तो इनने 1931 में सर्टिफिकेट कोर्स चलाया था, ठीक है, और 1937 में इन्होंने ही, रंगनाथन जी ने ही मद्रास यूनिवर्सिटी में पीजी डिप्लोमा कोर्स चलाया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, 1947 में अलीगढ़ में बिलीव आया, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 1949 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस आया, एमलिब। ठीक है, फिर पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही आया 1951 में, एमफिल 1978 में आया। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप लोग बोलेंगे पीएचडी पहले आया एमफिल बाद में आया, हाँ पीएचडी 1951 में आया था और एमफिल 1978 में आया, बहुत साल लगे एमफिल को दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के लिए। और ये जितने भी हाई एजुकेशन आई ना लाइब्रेरी साइंस में, जैसे एमलिब हाई एजुकेशन में आती है, पीएचडी हाई एजुकेशन में आती है, एमफिल हाई एजुकेशन में आता है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही द्वारा आई, तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं हो ना होइएगा। ठीक है, फिर भारत में सबसे पहले पीएचडी की डीबी कृष्ण राव ने 1957 में, देखिए 51 में पीएचडी आया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 57 में इन्होंने पीएचडी कर ली। ठीक है, और किसके निर्देशन में करी, किसके गाइडेंस में करी, एसआर रंगनाथन। और कौन था भाई, एसआर रंगनाथन थे, उन्हीं के गाइडेंस में करी इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑब्वियसली। और इनका आप जो वो था टॉपिक था उफिको वो कर लीजिए, ये था फैसेट एनालिसिस, जो फैसेट याद है ना, फैसेट फार्मूला, हाँ वही फैसेट एनालिसिस, मतलब फैसेट पर एनालिसिस करना एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, ये तो बात हुई अपने इंडिया की। ठीक, अब देखिए इंडिया में 1957 ने फर्स्ट टाइम पीएचडी किया था, बट वर्ल्ड में सबसे पहले जो पीएचडी किया गया लाइब्रेरी साइंस में वो किया गया था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी 1935 में। ठीक है, और इसका सब्जेक्ट क्या था, द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस, पब्लिक लाइब्रेरी मतलब सार्वजनिक लाइब्रेरी जो होती है ना, पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, फिर से बोलती हूँ, द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। फ्रेंड्स कुछ चीज़ों में तो इंग्लिश में ही आपको नोट्स मिल पाएंगे, जो चीज़ें इंग्लिश में है वो इंग्लिश में ही रहेंगी। मैं इसलिए आपको हिंदी में डिस्क्राइब बराबर एक्सप्लेन बराबर हिंदी में कर रही हूँ, क्योंकि मेरे नोट्स इंग्लिश में हैं पर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हुआ लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन। ठीक है, अब मैं अगला वीडियो जो लेकर आऊँगी वो लेकर आऊँगी लाइब्रेरी डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी मूवमेंट। मुझे पता है अभी मुझे बता देना चाहिए ये, पर अगर मैं इसको और लगा दूँगी साथ में तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कि लाइब्रेरी मूवमेंट बहुत लंबा हो जाता है, उसमें एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, और आज़ादी से पहले जो लाइब्रेरी एसोसिएशंस थे उनके बारे में आ जाता है, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं आज नहीं कर रही हूँ, अगली वीडियो में मैं लाइब्रेरी डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी मूवमेंट की वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, और आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा।